फिर ये वही कहानी आ गई कि हम लोगों ने पाकिस्तान पर जरूरत से ज्यादा भरोसा किया है। प्रधानमंत्री जाकर नवाज शरीफ साहब के यहाँ खाना ना खाए, उनके सार्वजनिक फंक्शनों में जाके मिलाए, उनके पारिवारिक किसी शादी में चले गए, बार बार उनसे हाथ मिलाते रहते हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान का रवैया बिल्कुल नहीं बदला है। अगर पाकिस्तान के डे पर आपको किसी को निमंत्रण देना है तो भारत सरकार द्वारा या भारत के नामी संगठनों के द्वारा या उन लोगों के द्वारा जो हमेशा हिंदुस्तान पाकिस्तान दोस्ती की बात करते रहते हैं। कई संगठन हैं, कई लोग हैं जो दोनों के जनताओं के बीच में आदान प्रदान को बढ़ाना चाहते हैं, उनको आप बुलाएं तो मैं समझ सकता हूं। बहुत से लोग हैं हिंदुस्तान में जो आते हैं कि एक बेहतर रिश्ते बने, सरकार है, फॉरेन मिनिस्ट्री है, हमारे मंत्रियों को आप बुला सकते हैं, आप पड़ोसी देश हैं, लेकिन आप हुर्रियत को क्यों बुलाएं सीधे सीधे उन लोगों को जो हिंदुस्तान के अंदर एक प्रदेश में एक अलगाववादी बातें कर रहे हैं, जिनके आधी से ज्यादा बयान जो है एंटी नेशनल हैं। तो उस बात पर आप अगर किसी को बुलाएंगे तो जो भारत सरकार एक तरफ से ये कह रही है कि पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते बदल रहे हैं, वो सारी की साथ ही रणनीति कितनी विफल रही है ये इसी न्योते से पता चल जाता है। मिस्टर नरेंद्र मोदी हु हैड ऑब्जेक्टेड टू देयर प्रेजेंस द लास्ट टाइम शुड देन कम फोर्थ एंड आर्टिकुलेट व्हाट द पोजीशन ऑफ द गवर्नमेंट इज एंड पॉसिबली जनरल वी के सिंह मे लाइक टू गो टू द पाकिस्तान डे एंड कम बैक एंड अगेन लमेंट दैट इट वॉज द सैडेस्ट डे ऑफ हिज लाइफ। So this government does not have either a policy or a perspective towards Pakistan. जब भी वार्ता पटरी पर आती है कुछ तत्व इस फिराक में रहते हैं कि वार्ता को खराब किया जाए। ये हुर्रियत की और पाक दूतावास की मुलाकात लगभग वैसी है।